हेलो एवरीवन, देखिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही सरल और शीघ्र बनने वाला स्वेटर डिजाइन। तो देखिए इसमें मैंने फंदे डाले हैं स्टिच 32, 32 फंदों में डाली मैंने, और ये दो दो फंदों की हमारी ये बुनाई है। देखिए दो डिजाइन के दो बीच में है, दो डिजाइन चार फंदों की बुनाई है। इस डिजाइन को आप किसी में भी डाल सकते हो, स्वेटर में, जेंट स्वेटर में, कार्डिगन वगैरह और कैप में और मफलर में भी आप इसे डाल सकते हैं। तो आइए इस डिज़ाइन को निकालना शुरू करते हैं किस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। तो शुरू करते हैं। देखिए इसी में आपको मैं बना के दिखाऊंगी, ये उल्टी साइड है। तो देखिए उल्टी साइड से हमारा ये डिज़ाइन शुरू होगा। तो देखिए किस तरह से होगा, जैसे आपने बॉर्डर बना लिया अपना स्वेटर का, जिसका भी आप बनाना चाह रहे हैं, और सीधी साइड से आप फंदे बढ़ा लीजिए पल्ले के। और देखिए उल्टी साइड है हमारा पहला एक स्टिच, आप फिर उल्टी साइड है, पर बनाना हमने देखिए सीधा सीधा है। बॉर्डर के बाद आप उल्टी सिलाई बनाएंगे तो सीधी सीधी बनाएंगे, देखिए सीधी सीधी। देखिए सीधी सीधी बना लेते हैं इसको, इस तरह से सीधी सीधी। यहाँ तक बना लेती हूँ मैं, तब दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से ये सीधी सीधी बना लेंगे। लास्ट में आ गई मैं, देखिए इस तरह से एक स्टिच भी हम सीधा ही बना लेंगे, देखिए इस तरह से। अब आ गई हमारी सीधी सिलाई, सेकंड सिलाई। तो अब देखिए डिजाइन की लाइन है हमारी, तो डिजाइन बनाएंगे, शुरू करते हैं। पहला फंदा एक स्टिच, इसको धागे को नीचे घुमा देंगे और बनाना हमने सीधा ही है। देखिए दो फंदे बीच के सीधे, उल्टी साइड से भी सीधा ही बनाना है और सीधी साइड भी, इनको सीधी साइड से तो सीधा बनाना है। ये डिजाइन के फंदे हैं देखिए, तो आप डिजाइन निकालेंगे किस तरह से, इन दोनों के बीच में से देखिए ये है और ये फंदा है ना, ये जो लूप दिख रही है ना पीछे गांठ सी दिख रही है, इसको खींचना है हमने देखिए ऐसे। और फिर ये एक फंदा बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे ऐसे, और फिर ये जो लूप निकाली है ना हमने, ये देखिए फंदा, इसको दोनों के ऊपर से घुमाते हुए ऐसे नीचे गिरा देंगे। इस तरह से हमारा ये डिजाइन दिखेगा। फिर दो फंदे सीधे, देखिए दो फंदे सीधे आ गए, देखिए इस तरह से आएगी, उल्टी उल्टी दिखाई देगी हमें लाइनें बीच में। फिर ये दो डिजाइन के फंदे हैं हमारे, फिर से हमने दो फंदों के बीच में से ये देखिए ये वाली गांठ की ये जो है ना बीच में से दिख रही है लूप, इसको खींचना ऐसे, देखिए लूप की तरह ऐसे ऐसे खींचा, फर्स्ट फंदा बनाया सीधा और फिर सेकंड वाला भी सीधा बनाया, और इसको इस फंदे को जो लिया है हमने, इसको दोनों के ऊपर से गिराते हुए देखिए नीचे कर देंगे, दो फंदे सीधे। फिर इसी प्रकार करेंगे हम, बीच में से निकालेंगे ऐसे फंदा और दो फंदे बनाएंगे सीधे, एक और दो, और इनके ऊपर से इस फंदे को जो हमने एक्स्ट्रा निकाला है, इसको इसके ऊपर से, इनके ऊपर से, दोनों के ऊपर से इस तरह से ऐसे ऐसे गेट देंगे। देखिए ये हो गया, जैसे फिर दोबारा दिखाया मैंने इसे, और ये देखिए दो बस फंदे फिर सीधे बनाएंगे, और ये फिर डिजाइन के हैं हमारे ये दो, फिर से इसी तरह से निकालेंगे, बीच से ऐसे निकाला, दो फंदे बनाए और इस फंदे को एक्स्ट्रा वाले को ऊपर से, दोनों के ऊपर से नीचे गेर दिया, देखिए नीचे कर दिया, यानी दो फंदे सीधे। इसी तरह से हमने ये बना लिया, लास्ट का है देखिए, इसको भी इसी तरह से हम ऐसे बीच से लेंगे एक फंदा, इसको खींच लेंगे और दो फंदे बनाएंगे,
दो फंदे बन गए। फिर एक्स्ट्रा वाले को हमने दोनों के ऊपर से इस तरह से ऐसे नीचे गिरा देना है और दो फंदे फिर सीधे बनाएंगे। एक स्टिच भी सीधा ही बना देंगे हम, क्योंकि सीधा बनाते आ रहे हैं नीचे से। और देखिए इस तरह से दिखेगा बन के, बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। जो नए नए सीख रहे हैं ना बिगनर, उनके लिए भी बहुत आसान है ये डिज़ाइन। फिर देखिए उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई हमने सीधी सीधी बनानी है, हर उल्टी सिलाई सीधी सीधी बनेगी। बस दो सिलाइयों का हमारा ही डिज़ाइन है और चार फंदों का डिज़ाइन है, दो सिलाइयों का, दो सिलाई में पूरा हो जाता है डिज़ाइन एक। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, सही कर देते हैं, बस सीधा सीधा बना लेंगे। फिर देखिए देखिए मैंने इतना बना लिया है, इसे एक बन के बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए आप इसे मफलर, शॉल वगैरह में भी आप इसे डाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।